ये CAA, NRC, NPR को लेकर होती सियासत के बीच राजस्थान के कोटा के उस अस्पताल पर किसी की नजर नहीं गई जहां एक एक कर बच्चों ने दम तोड़ दिया। जी हाँ, दिसंबर के महीने में अकेले 100 बच्चों की मौत यहाँ पर हो गई और अब जाकर सियासतदान की नींद टूटी है। अब जाकर सवाल पूछा जा रहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार, राजस्थान की सरकार सफाई दे रही है तो इधर उत्तर प्रदेश तक से सवाल उठने लगे हैं, खासकर प्रियंका गांधी को लेकर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला महासचिव हैं और वो उत्तर प्रदेश आती हैं, कोटा नहीं जाती हैं। बसपा ने भी सवाल पूछा और बीजेपी ने भी सवाल पूछा। रिपोर्ट देखिए और आप भी इस सियासत को समझिए। कोटा में 2 दिन में 9 बच्चों की मौत, दिसंबर महीने में 100 बच्चों की मौत, बच्चों की मौत पर होती सियासत, प्रियंका गांधी पर सियासी हमला, राजस्थान सरकार पर बीजेपी का हमला, मायावती ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। जी हां, राजस्थान के कोटा में एक एक कर बच्चे दम तोड़ते गए। 2 दिन में 9 बच्चों की मौत हुई तो कोटा के जेके लोन अस्पताल में दिसंबर महीने में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। अब बच्चों की मौत ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचाया है। कोटा में बच्चों की मौत पर राजनीति शुरू हो रही है। राजस्थान में विपक्ष में बैठी बीजेपी, राजस्थान सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमलावर है तो इधर उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर वार होने लगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गहलोत सरकार और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उधर राज्य सरकार ने इन मौतों पर सफाई दी है। कोटा के अस्पताल के लिए सबसे पहले तो बीजेपी अध्यक्ष से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब 2012 में हमारी सरकार थी, हमने 60 बच्चों के बेड बढ़ाए, वहां वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी उसकी, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बेड कहाँ गायब हो गए? अगर आज वो बेड यहां होते तो एक बेड पे 2 बच्चों को हमको नहीं लेटाना पड़ता। अपराध आप खुद कर रहे हो। आपकी जो सरकार के रहते हुए 2015 में वहां के जो प्रशासन ने, मेडिकल प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए वहां की सुविधाएं बढ़ाने के मांगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। इधर उत्तर प्रदेश ने कोटा में बच्चों की मौत पर सवाल करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, कोटा में करीब 100 बच्चों की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। माताओं की गोद उजड़ना सभ्य समाज, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं पर थप्पा है। अत्यंत क्षोभ है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिला होकर भी माताओं का दुख नहीं समझ पा रहे। श्रीमती वाड्रा अगर यूपी में राजनीतिक नौटंकी करने की बजाय उन गरीब पीड़ित माताओं से जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से सूनी हो गई है तो उन परिवारों को कुछ सांत्वना मिलती। इनको किसी की न चिंता है न कोई संवेदना, जनसेवा नहीं सिर्फ राजनीति करनी है। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और लिखा, यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती है तो यहाँ अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवार से मिलना केवल इनका यह राजनीतिक स्वार्थ व कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कहा? आदरणीय बहन मायावती जी, बाहर निकलिए, सड़क पे आइए, लोगों के घरों में जाइए, उनसे मिलिए, उनके तकलीफों को सुनिए। आपको किसने रोका है कि आप अपने घर के चौधरी से बाहर ना निकले, सिर्फ चौधरी में बैठ करके ट्वीट कर दें और कभी कभी एक चैनल को बुला करके बाइट दे दें और बताएंगे कि आप बड़ी पीड़ा में हैं देश की जनता के तकलीफों को देख करके। ये सब लोग समझते हैं। बहरहाल कोटा में बच्चों की मौत पर अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चला है। 100 बच्चों ने दम तोड़ा है। राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा विपक्ष के निशाने पर है लेकिन प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सियासी दौरों पर बीजेपी और बसपा सवाल पूछ रही है, क्या प्रियंका गांधी को राजस्थान में बच्चों की मौत दिखाई नहीं दे रही? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।